नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। हकीकत मंदों ने मुल्क की तरक्की और आपसी इतिहाद की मांगी दुआ। जी हां, बरेली में नोमहला मस्जिद में दरगाह परिसर में उर्स पाक की महफिल सजाई गई। कुरान पाक की तिलावत के बाद महफिल समा और कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। खास दुआ मुल्क और अवाम की सलामती, हिफाजत, कामयाबी, तरक्की, खुशहाली के साथ अमन, भाईचारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हमेशा एकता कायम रहे, दुनिया को कोरोना वायरस से निजात मिले, सभी मोमिन भाइयों को हज उमराह की जियारत में आसानी हो और हिंदुस्तान को बुरी नजरों से बचाए रखने के लिए दुआ की गई। दुआ के बाद हाजरी ने महफिल को तबरुक तकसीम किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री हाजी अताउर रहमान ने कुल शरीफ में शिरकत की। इस अवसर पर दरगाह कमेटी के तरफ से पूर्व मंत्री हाजी अताउर रहमान व समाज सेवी पम्मी खान वारसी की दस्तार बंदी की गई। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कुल शरीफ यहाँ पे हर साल होता है, बरसा बरस से होता है। आज वही कुल शरीफ मनाया गया है। यहाँ के खुद्दाम वसीम साहब जी और कमाल साहब जी और बाकी सब लोगों ने और सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ पे शरीफ होते हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि उनका कर्म है, वो हिंदुस्तान के राजा हैं, इसलिए सब उनकी ही याद में आज का ये पुल मनाया जाता है। क्या दुआ करना चाहते हैं यहाँ से आप? पूरे हिंदुस्तान में अमन और आराम कायम रहे। वो लोग जो इस अमन और ईमान को बिगाड़ना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें अकल दे, समझ दे, और हम सब लोगों को चाहिए अल्लाह के फज़ल करम से कि अमन और आराम कायम करने में हर तरह की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज 808वां उर्से गरीब नवाज यहाँ बरेली शरीफ दरगाह ख्वाजा नासिर में मनाया गया और इसमें खुसूसन मुल्क में अमन भाईचारा और जो दुनिया में ये बीमारी फैली पड़ी है कोरोना वायरस, इसके लिए इसके खात्मे के लिए दुआ की गई और इसी के साथ यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की जो अजमेर शरीफ नहीं जा पाए। और मैं खुसूसन तमाम उर्से गरीब नवाज के तवस्सुल से, वसीले से तमाम शहरियों को, अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को उर्से गरीब नवाज की मुबारकबाद देता हूं और खुसूसन अपील करता हूं कि अमन भाईचारा सौहार्द बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। हर साल की तरह इस साल भी नौमहला में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के का उर्स में कुल में हम लोग शरीक हुए और हर साल ये होता है कुल यहाँ पर। और कुल के मौके पर यही कहेंगे कि ख्वाजा साहब का जो दरबार है वहाँ से पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान सब के लिए एक संदेश जाता है और वहाँ किसी एक धर्म के नहीं, वो सब लोग उन्हें मानते हैं और वहाँ से पैगाम जाता है कि सब अमन चैन कायम रहे। और हम लोग भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि गंगा जमनी तहजीब जो हमारे मुल्क की पहचान है वो बनी रहे और जिन लोगों की नज़र हमारे मुल्क को लग गई है उस बद नज़र से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने की मांग। जी हां, बरेली में पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने होली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के संबंध में कलेक्ट्रेट पर जिला खाद्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि त्योहारों पर खाद्य पदार्थों की मांग और सप्लाई बढ़ जाने के कारण कुछ मिलावटखोर व्यापारी इसी का फायदा उठाने लेते हैं। बड़ी मात्रा में खोया, मिठाई, तेल आदि खाने में उत्पादों में मिलावटखोरी करते हैं और उन मिलावट वाले खाद्य पदार्थों को बड़ी मात्रा में गांवों और कस्बों में भी खपाते हैं। उन्होंने मांग की है ऐसे मिलावटखोरों पर लगाम लगाना जरूरी है क्योंकि आम जनमानस में गंभीर बीमारियों के साथ जान का खतरा बना रहता है। ऐसे मिलावटखोर व्यापारियों की जांच कर कार्रवाई की जाए। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम राशि पाराशरी एडवोकेट है। मैं व्यापार संघ की महानगर अध्यक्षा हूँ। मैम, आप
किस उपलक्ष्य में आपने एक विज्ञापन दिया है? आज हम लोग ने मिलावटखोरी के संदर्भ में विज्ञापन दिया है। जैसे कि विदित है कि होली करीब है, जगह जगह खोया बन रहा है और हम घर हर घर में गुजियाँ बनेंगी और बच्चे भी सबसे ज़्यादा गुजिया ही पसंद करते हैं, हर घर का बंदा खाता है। तो हम लोग ने मेन फोकस खोए को लेकर किया है कि इसमें जो जगह जगह मिलावट हो रही है ताकि उस पर आप ध्यान दें। और उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमें आश्वासन दिया है कि आगे कोई भी ऐसी समस्या होती है तो तुरंत आप हमें सूचित करें, कहीं भी ऐसी मिलावट पाई जाती है तो हम सक्सेसक कदम उठाएंगे। फिर हमने गांव की भी जिक्र छेड़ा, गांव में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें खुली पाई जाती हैं, मिठाई है, मक्खियाँ मंडराती हैं, तो उन्होंने इस पर भी हमें कहा है और कि हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे कार्रवाई करने या कहने से कुछ नहीं होगा, हमें इन सब के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें जगह जगह जाना पड़ेगा। भले ही हमें महिलाएँ हैं थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उन चीज़ों को हम फेस करेंगे और आगे आने वाले टाइम में आस पास के एरिया जो रूरल एरिया है वहाँ पर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रुचि कपूर है और मैं उत्तर प्रदेश महिला व्यापार मंडल की उपाध्यक्ष हूँ। और बाकी ये है कि हम श्री धर्मराज मिश्र जी पे आए थे ये एक ज्ञापन लेकर के कि जो आजकल कोई भी त्यौहार होता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, तो जो खाद्य पदार्थों में, मिठाइयों में स्पेशली जो मिलावटखोरी देखी जाती है, तो उसके लिए ही हमने ज्ञापन दिया है कि थोड़ा संज्ञान लिया जाए ऐसे लोगों का। और बाकी ये है कि देहात में जो है लोग इतने जागरूक नहीं हैं, शहरों में तो लोग अवेयर हैं अपनी हेल्थ को भी लेकर के, प्लस आपके कोई भी फूड प्रोडक्ट्स वो लेते हैं तो एक्सपायरी डेट और बाकी अनकवर्ड अगर है तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इतना लोग अभी जागरूक नहीं है। तो उसी के लिए हम जो है आला अधिकारियों का अपना सहयोग चाहते हैं, बाकी ग्रामीण जनता को जो है जितना ज़्यादा हो सकेगा हम यही आश्वासन देते हैं कि हम उनका पूरा जागरूकता अभियान में जो है उनका सहयोग करेंगे। बाकी कोई भी शिकायत होती है किसी भी तरीके की, अगर मतलब बासी मिठाइयाँ या बासी खोया वगैरह गांव क्षेत्रों में चलता है, तो ये है कि उनको इसके खिलाफ जो है आकर के यहाँ पे शिकायत दर्ज करानी चाहिए। बाकी सहयोग करने के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रुचि कपूर है और मैं उत्तर प्रदेश महिला व्यापार मंडल की उपाध्यक्ष हूँ। और बाकी ये है कि हम श्री धर्मराज मिश्र जी पे आए थे ये एक ज्ञापन लेकर के कि जो आजकल कोई भी त्यौहार होता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, तो जो खाद्य पदार्थों में, मिठाइयों में स्पेशली जो मिलावटखोरी देखी जाती है, तो उसके लिए ही हमने ज्ञापन दिया है कि थोड़ा संज्ञान लिया जाए ऐसे लोगों का। और बाकी ये है कि देहात में जो है लोग इतने जागरूक नहीं हैं, शहरों में तो लोग अवेयर हैं अपनी हेल्थ को भी लेकर के, प्लस आपके कोई भी फूड प्रोडक्ट्स वो लेते हैं तो एक्सपायरी डेट और बाकी अनकवर्ड अगर है तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इतना लोग अभी जागरूक नहीं है। तो उसी के लिए हम जो है आला अधिकारियों का अपना सहयोग चाहते हैं, बाकी ग्रामीण जनता को जो है जितना ज़्यादा हो सकेगा हम यही आश्वासन देते हैं कि हम उनका पूरा जागरूकता अभियान में जो है उनका सहयोग करेंगे। बाकी कोई भी शिकायत होती है किसी भी तरीके की, अगर मतलब बासी मिठाइयाँ या बासी खोया वगैरह गांव क्षेत्रों में चलता है, तो ये है कि उनको इसके खिलाफ जो है आकर के यहाँ पे शिकायत दर्ज करानी चाहिए। मॉडर्न शौचालय के नाम पर कुछ भी नहीं। जी हाँ, जनपद औरैया के थाना बिधुना के ब्लॉक एरवा कटरा के ग्राम कुदरकोट के मिडिल स्कूल में जब हमारी मीडिया टीम मॉडर्न शौचालय देखने गई तो वहाँ मॉडर्न शौचालय के नाम पर कुछ भी नहीं था। जब हमारे संवाददाता के द्वारा पूछे जाने पर प्रिंसिपल अब धब बिहारी ने बताया कि यहाँ जो निर्माण कार्य है वो विद्यालय की तरफ से कराया गया है, ग्राम प्रधान का कार्य केवल वॉल पेंटिंग का है और कुछ भी नहीं। ऐसे भ्रष्ट प्रधान के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे हमारे संवाददाता संजीव नारायण की रिपोर्ट। मैं फर्स्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। आज मैं औरैया जिला के थाना बिधुना ब्लॉक एरवा कटरा के ग्राम कुदरकोट में आया हूं। आप देख रहे हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुदरकोट विकास क्षेत्र एरवा कटरा औरैया। मैं विद्यालय में हूं इस समय, आए देखते हैं कार्यालय प्रधानाध्यापक का लिखा है, आपकी बात कराते हैं। सर क्या नाम है आपका? आप ही प्रधानाध्यापक हैं? तो सर मैं इसलिए आया हूँ कि आपके विद्यालय में प्रधान जी द्वारा मॉडर्न शौचालय बनाया गया या नहीं? अभी तक नहीं बनाया गया। अच्छा, और मॉडर्न शौचालय के साथ में सारे विद्यालय में जो भी ये रूम पड़े हैं, मैं देख रहा हूँ उधर
काफी गंदगी है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है साफ सफाई की? नहीं सर, हमारे यहाँ एमडीएम में एक रसोईया मैंने कर रखा है, हाँ, और उसी को सफाई की जिम्मेदारी सौंप रखी है, तो वो अपना रसोईया का भी काम करता है और थोड़ा टाइम निकाल करके उसी में वो सफाई भी करता है। इतना हाँ। बड़ा विद्यालय प्रांगण की सफाई इसी तरह से अपना मंत्रण करते हैं, सफाई करनी तो नहीं आता है। सफाई करनी कोई भी नहीं आया, हम हमारे प्रधानाध्यापक महोदय जी के द्वारा बताया गया। और भी देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, आए बच्चों की बात की जाए, सारे बच्चे आप देख रहे हैं पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? विनीत। विनीत कहाँ यहीं के वासी हैं? मानिकोटी। पापा का नाम क्या है? संजीव साख। संजीव साख। माता जी का? श्रीमती संगीता देवी। बहुत अच्छी पढ़ाई याद है आपको? यस। कितने तक याद है? 20 तक। 20 तक। 13 का पाड़ा सुना? 13। बिल्कुल सही। और भी देखिए तमाम बालक बालिकाएं बैठी हैं, अब हम आपसे बालिका की बात करवाते हैं। आपका नाम क्या है? कशिश मिश्रा। कशिश मिश्रा। पापा का नाम क्या है? और माता जी का नाम? हमारे याद है आपको? कितने तक? 20 तक। 18 का सुना? बिल्कुल सही, सभी शिक्षित बच्चे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि साफ स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया गया। और देखिए यहाँ पर आप सामने देख रहे कौन नहीं जानता है, आप देखिए ये बैठा हुआ है लंगूर, ये भी विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए आया है। देखिए छलांग लगा के ये अपने निकल गए, शोर बोले नहीं पसंद नहीं है बिल्कुल। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ व्यवस्था क्या है। सामने आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र कुदरकोट लिखा हुआ है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। आपको दिखाते हैं अभी कहाँ क्या हो रहा है। आपका नाम क्या है? सोनी देवी। तो आज ये बच्चे बहुत कम आए हैं पढ़ने के लिए? बुला तो आए, यहाँ के अभी आए हैं, यहाँ के होंगे। तो बच्चों का रखाव ठीक तरीके से चल रहा है? बहुत अच्छी बात। और भी हमारे सामने है, आपका नाम क्या है? आंगनवाड़ी से। आज ही बच्चे इतने कम क्यों आए? और सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है? कुछ तार रखा है बच्चों का, हमारे पास कुछ आता ही नहीं। अच्छा, कुछ तार में क्या क्या आता है? यही आता है अच्छा, मीठा दलिया और नमकीन दलिया, और क्या क्या आ रहा है? बीनिंग फूड है। अच्छा, बीनिंग फूड का मतलब? बीनिंग, बीनिंग, बीनिंग। क्या चीज होती दिखाओ जरा, है यहाँ पे या नहीं दिखाओ? ये नमकीन दलिया, ये नमकीन दलिया है बच्चों के लिए, और लड्डू भी दिखाए जा रहे हैं। ये लड्डू लड्डू ये भी बांटे जाते हैं बच्चों को। बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही है, अभी कम बच्चे आए हुए। और भी दिखाएं आपको। अरे मजार के बारे में और बताओ कि इसकी वजह से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? हेलो, बोलिए। हाँ सर, ये जो विद्यालय प्रांगण में मजार बनी हुई है। हाँ हाँ हाँ, एक क्षण जरा ऐसे देख के चलते हैं ये। अरे इसकी छोड़ो, स्वच्छ रहे शौचालय। और भी देखिए ये मजार आप बता रहे हैं, बताइए इस मजार के नाम पर लोग टाइम बे टाइम आते हैं, विद्यालयों को
को छत भी पहुँचाते हैं और यहाँ पर कोई साज सज्जा का सामान जैसे वृक्षारोपण आज करवाते हैं कभी भी संपन्न नहीं हो पाते। उनके सामने जितने वृक्ष के लिए बनाए सब उखाड़ फेंक देते हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी यहाँ पर विद्यालय का सौंदर्यीकरण बिल्कुल नहीं हो पाता है। गेट बंद कर देते हैं लोग, ताला तोड़ देते हैं। तो मैंने बार बार यहाँ प्रशासन शासन से अनुरोध किया, निवेदन किया कि अगर हो सके इस मजार को एक किनारे कर दिया जाए, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं और इसी वजह से हम विद्यालय की जो रखरखाव व्यवस्था है वो नहीं बन पा। बिल्कुल सही बात, हमारे प्रधानाध्यापक जी के द्वारा बताया गया कि लोग गेट का ताला भी तोड़ देते हैं, यहाँ वृक्ष नहीं लगने देते हैं। देखिए यहाँ पर ये घरुआ बने हुए हैं लेकिन वृक्ष नहीं है। यही कारण है कि लोग होने नहीं देते हैं यहाँ पर। और पुलिस चौकी पर भी शिकायत की पर कोई अमल नहीं हुआ। ये कैसा शासन और कैसा प्रशासन है, कोई देखभाल नहीं, कहीं कुछ नहीं। इसी के साथ फास्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरपुर। शिक्षक संघ के हड़ताल 13वें दिन भी जारी। जी हाँ, औरंगाबाद में लगातार देव प्रखंड के बीआरसी भवन के सामने आज भी देव प्रखंड के शिक्षक संघ ने हड़ताल के 13वें दिन भी देव के शिक्षक संघ बीआरसी भवन के सामने धरने पर अड़े रहे। बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा विधानमंडल में दिए गए बयान पर आक्रोश व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा जाना कि शिक्षक सब छोड़कर सिर्फ पढ़ाएं, ऐसा बयान कहीं से भी प्रदेश के गरीब बच्चों और शिक्षा और शिक्षक के लिए हितकारी नहीं है। पूरे प्रदेश के विकास के लिए वे शिक्षकों से बलिदान मांग रहे हैं, तो यह बलिदान सिर्फ शिक्षकों से ही क्यों, विकास के लिए सांसद विधायक एवं अन्य कर्मी भी सब सुविधाओं को छोड़ते हुए हमारी श्रेणी में क्यों नहीं आ जाते। सेवा शर्त ईपीएफ अनुकंपा पेंशन विहीन शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने के लिए कहना शिक्षकों को अपने अपमानित करने का सम्मान है। शिक्षकों के प्रति इतनी उदासीनता सोच के लिए हम सभी वर्तमान सरकार का पुरजोर से विरोध करते हैं। सरकार को राज्य के प्रमुख अंग शिक्षा को शुरू पर ही समझाते हुए शिक्षकों की मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए राज्य कर्मी का दर्जा देना चाहिए। आज के सभा के अध्यक्षता देवीदयाल मिश्रा, मंच संचालन रंजीत कुमार सिंह ने किया। सभा में मीडिया प्रभारी ज्ञानेश्वर कुमार प्रशांत, चौरसिया संजय पांडे, आशुतोष कुमार सिंह, बाल मुकुंद मिश्रा, अरुण पाठक, सबाना अंजुम, रिता हेमा, प्रवीण, अजीत कुमार, सुशीला देवी, सगुप्ता, तबस्सुम, नशीमा खारून, मोहम्मद गफार, प्रकाश लाल और शिक्षकों ने अपने नारों के साथ यह बताया कि सरकार को झारखंड और दिल्ली झांकी है, बिहार अभी भी बाकी है। इसी नारे के साथ सभी शिक्षकों ने एक आवाज स्वर में बुलंद किया। बिहार के औरंगाबाद से हमारे संवाददाता अरशद अली की रिपोर्ट। ये जो बैठक किए हुए सर, इसके बाद भी अगर आप लोगों ने नहीं सुना, सरकार सुनते हैं तो इसके बाद क्या करेंगे आप? सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आज यह जितने भी हमारे बिहार राज्य के लोग हैं उनको भड़काने का काम कर रही है बिहार सरकार। एक तरफ 2015 में जब उन्होंने हम लोगों के साथ समझौता किया था तो वह बोले थे कि 4 महीना के अंतर्गत आपका सेवा सब तैयार हो जाएगा। किस तरह के आईएएस ऑफिसर को वहां पर लगाए, आज लगभग 5 वर्ष होने को है लेकिन सेवा सब तैयार नहीं। एक तरफ 5 वर्ष में सेवा सब तैयार नहीं होता है और दूसरी तरफ 17 तारीख के डेट में 5-5 दमनकारी पत्र निकालने के लिए आपके आईएएस ऑफिसर बहुत आगे आ जाते हैं। मैं इस सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम लोग अपने मांग, जो कि आप बार बार रोना रोते हैं पैसे का, आप अगर नेता लोग का पैसा बढ़ाने के लिए बात होता है तो मेज थपथपा कर तुरंत आपका पैसा बढ़ जाता है। हम लोग समान काम समान वेतन के लिए नहीं, राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यह तब तक चलेगा जब तक इस सरकार को हम लोगों की बात माननी नहीं पड़ेगी। अगर नहीं मानती है तो इस सरकार को 2020 के चुनाव में भी हम लोग दिखा देंगे कि हम 4 लाख नहीं 40 लाख हैं। धन्यवाद रंजीत कुमार सिंह। लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार, बिहार सरकार ने तो बताया आप लोगों को कि आप लोग काम कीजिए, आप लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। इसका मतलब हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज बिहार सरकार दिल्ली में जाकर ढोंग रखती है कि 1% मात्र हमारे बच्चे विद्यालय से बाहर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि विद्यालय में बच्चों को लायक हो, क्या हम लोगों ने काम नहीं किया? आज शिक्षा का स्तर में इतना सुधार, आप दूसरे जगह पर जाकर अपना पीठ थपथपाते हैं, ये किसके बदौलत? क्या आपके दूसरे विभाग के, जिनको आप मूल्यांकन कार्य में लगा रहे हैं, जिनको आप वीक्षण कार्य में लगा रहे हैं, कृषि विभाग हो या फिर हमारे जो जीविका दीदी हो या फिर जो टोला सेवक हो, क्या वे आपको इस शिक्षा को आगे तक बढ़ा दिए? हम लोग अपना काम कर रहे हैं लेकिन आप हमें काम करवाने नहीं दे रहे हैं। हमारा काम शिक्षा देना है बच्चों को,
आप तरह तरह के काम दे करके हम लोगों को ठोकते हैं। विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जी हाँ, जनपद औरैया के तहसील मुख्यालय विधुना के अंतर्गत पुलिस चौकी कुदरकोट में दरोगा जी वासुदेव जी का आज थाना बेला में ट्रांसफर हो गया है। इस अवसर पर चौकी इंचार्ज कालीचरण जी के द्वारा उनके सम्मान में विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों ने दरोगा वासुदेव जी की उनकी कार्यशैली की प्रशंसा की और आभार व्यक्त किया। औरैया से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान फास्ट न्यूज इंडिया से। आज यहाँ पे विदाई समारोह चल रहा है आपके चौकी पे, जो कि वासुदेव सर का ट्रांसफर हुआ है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आइए दिखा दें। सर कहाँ ट्रांसफर हुआ आप बताएं? थाना बेला मुझे। सर सर कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ से जा रहे हैं आप? हाँ, यहाँ चौकी कुदरकोट से मैं जा रहा हूँ। एक साल आठ महीना का यहाँ कार्य कर रहा। यहाँ की जनता का बहुत ही हमको सहयोग मिला और हमारे चौकी इंचार्ज इनका तो बहुत ही सहयोग मिला। इनकी प्रेरणा शायद है कि हमें अपने पूरे सर्विस काल में इतने किसी के साथ रह के न मिली हो। और बड़ी धार्मिक प्रमित के ये हैं, इनकी प्रेरणा से ही चौकी में ये मंदिर बनवाया गया है और हम मंदिर छोड़ के जा रहा है। इनको पूरा करा के जा यही कामना करेंगे क्षेत्रीय जनता से भी, उनसे भी, कि ये जो लक्ष्य रखा गया था इसको बढ़िया ही नौ दूर अंतर बढ़िया करवा दें। और जनता का हमको बहुत ही सहयोग मिला है और जनता के बीच से मैं आ जा रहा। ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया है, होते रहते चलते रहते। यहाँ की जनता को मुझे बहुत ही सहयोग मिला। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? ये जो समारोह कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे उपनिरीक्षक श्री वासुदेव यादव जी का स्थानांतरण थाना बिदुना से बेला हो जाने के उपलक्ष्य में हो रहा है। इसमें हमारे समस्त सम्मानित व्यक्ति, पत्रकार बंधु समस्त मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ये यादगार पल हम लोग रहेंगे। और इसी के बाद अपनी बात समाप्त करूँ। जी सर, जैसा आप देख सकते हैं आप मिलन सब विदाई समारोह चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। किसी 27 जुलाई 1917 को मैं थाना बिदुना में, एक साल वहाँ रहा। 1 अगस्त 1918 को यहाँ चौकी कुदरकोट चौकी का हमारा 1 साल 8 महीने का कार्यकाल है। यहाँ आया आपको मेरी 38 साल की नौकरी हो चुकी है। इस चौकी में जनता का जितना सहयोग मिला, प्यार मिला, शायद किसी जगह नहीं मिला। जब से हमारे कार्यक्रम दिया है तब से बहुत ही इन्होंने हमको पिता के समान माना। तो इसी बात के अंदर भी भावना आती है कि इन्होंने अपने को चौकी इंचार्ज नहीं समझा। मुझे ये पूरा प्रभाव दिए है और मैंने इनको अपने पूरे बच्चे की तरह करके इनके जो भी उन्होंने कार्यकाल किए बहुत ही अच्छे किए। हमारा इनका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। दान पर तो एक प्रक्रिया है, रहने की आने की समय हमारा पूरा हो गया। ऐसा से कहते भी रहते थे मंदिर अंदर ऐसा वहाँ से ज़्यादा ये मैं तो सोचता मैं ज़्यादा पुजारी हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा पुजारी निकले हैं। धार्मिक चीज़ें जब आगे सामने आई तो मंदिर की बात चली तो मंदिर की कि आगे प्रेरणा से मंदिर होते होते कैसे बनेगा। हमको बस आप सहयोग करते रहिए, सब हो जाएगा। क्षेत्रीय जनता का बहुत सहयोग मिला, क्षेत्रीय जनता का इतना सहयोग मिला। ये हम लोग कुछ नहीं करते, हम तो एक आपके सेवक हैं। ये आपको सेवा करने का हमें मौका दिया जाता है। जब आप ही यहाँ सेवक हमें मौका देंगे तो अच्छे से अच्छे काम हो जाएगा। हमने अपने पूरे कार्यकाल 8 साल की नौकरी ऐसा क्षेत्रीय कार्यकाल नया से चौकी चाहे हमको अभी तक मिले कहीं प्रभारी बहुत मिले सब कुछ मिले कह रहे स्टाफ यहाँ जैसा कहीं नहीं मिला। क्षेत्रीय जनता हमको यहाँ की ऐसी मिली कि ये तो यही लगता है घर ही जैसा लग रहा है। हर ट्रांसफर पर तो जा रहा हूँ लेकिन दिली जो भावना है वो भी यहाँ से जनता देखती।
और हम अपने कार्यकाल के लिए ही कुछ मौका है, कुछ अधिकारियों के आदेश होते हैं, जैसे उनसे संतुष्ट करना तो हीरो पार्टी होती तो असंभव हो जाती है। वहाँ के चार बच्चे होते तो बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाता, कुछ गलतियाँ भी ऐसी हम लोगों से हो जाती है, वैसे हम लोग एक दूसरे गलती न हो, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलतियाँ जाने भी हो जाती हैं, कुछ अनजाने भी हो जाते हैं। हम लोगों की जो भी गलतियाँ हुई हमारे चौकी चाय महोदय। ये था अभी की कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बनी रहिए हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।